योग अभ्यास एक व्यक्ति से आदरणीय शिवम सिंह जी, जैसा कि शासन के द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण के तहत इस विद्यालय से जो प्राथमिक विद्यालय लखेसर में थे शिवम जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, कुछ नया नहीं है। सभी के दिलों में उन्होंने राज किया है। यही तक नहीं बल्कि हमारे कला हो, खबरा या पंचायत पूरी हो या सकरारा हो, जनपद हो या प्रदेश, केवल यही नहीं, केवल इसी गांव में नहीं, पूरे प्रदेश में जिन्होंने झंडा लहराया है उनका नाम है शिवम सिंह। तालियों से स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। शिवम जी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं तो सबसे पहले आग्रह करूंगा कि हमारे बुजुर्ग जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरी आवाज कमजोर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूल जाएगा। इतना इन्होंने दिलों में राज किया है। अजी भाई आप यहाँ आइए। क्या है, मैं बुलाना चाहता हूँ आदरणीय धर्मदेव तिवारी जी को, जो माल्यार्पण करेंगे। अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें ताकि इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। शिवम जी का स्वागत करें। नीरज यादव जो है शिवम सर का स्वागत करें। इस क्रम में यहाँ से विदाई, मैं इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रणेता और सबको हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रेमचंद तिवारी जी को मैं चाहता हूँ स्वयं माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम को और गतिशील बनाना। उन्होंने तो ऐसा वातावरण बनाया है यहाँ पर, यही नहीं जहाँ जा रहे हैं वहां से पूर्व परिचित है। ऐसा नहीं है कि वो विद्यालय जिस विद्यालय में गए हैं वहां पर परिचित नहीं है। जनपद के किसी भी ब्लॉक में, किसी भी प्रदेश के किसी भी जनपद में इनके 10, 20 लोग, 150 लोग मिल जाएंगे। ये मोहताज नहीं है। आपके द्वारा 4-5 फिल्में बनाई गई, ये 3 फिल्मों की बात करते हैं, ये आपको सुनकर के काफी गर्व का अनुभव होगा कि शिवम सिंह जी जब यहां से जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूं अभय जी को एक चुनौती है अभय जी के सामने, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अभय जी आपके अंदर उनसे भी ज्यादा ताकत हो। ईश्वर करे कि आपके अंदर, आप युवा हैं, एनर्जेटिक पावर आपके अंदर बहुत है, लेकिन उस स्थान को ग्रहण करने में आपको इस शिक्षक के वजन है। हर गांव में नहीं हो रहा है क्या, हर जगह सभी प्रधान जी लोगों ने इस तरह से आयोजन किया होगा, मुझे तो नहीं लगता। विद्यालयों ने कर दिया हो या वहां के संकुलों ने कर दिया हो या वहां के अधिकारी वर्ग ने कर दिया हो, ये अलग बात है, लेकिन प्रधान जी द्वारा किसी कार्यक्रम को कर दिया जाना ये अपने में एक अलग विषय है और बहुत ही यूनिक विषय है, बहुत ही आदर्श विषय।
यश को बुलाना चाहता हूँ। यश, जब कोई एक घर से निकलता है, आप जानते हैं शादी ब्याह में बेटियां विदा होती हैं, उस क्षण का महत्व आप अच्छी तरह से अपने जीवन में महसूस किए होंगे। एक बच्ची जब अपने घर में जाती है तो वहां पर ढोल मजीरे बजते हैं कि यहां भी शादी हुई होती है, वहां भी शादी हुई होती है, दोनों जगह एक ही माहौल होना चाहिए। लेकिन ये विदाई बहुत ही दुखद होता है। अभी नहीं, जब विद्या याद आएगी इन दोनों को, शिवम सर आदरणीय राकेश सर, और मैं ये एक दावा और करता हूं, आप जहां जाएंगे, जो लगाव बच्चों के साथ यहां पर आप लोगों ने लगाया था, आप भी रोएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो कि जब मैं आया था ट्रांसफर, मैं निधि को यहां मंच पर बुलाना चाहता हूं। निधि बहुत हिम्मती लड़की है, ये सभी इन्हीं के गण हैं, इन्हीं के द्वारा तैयार किए हुए हैं, वरना बच्चे, ये निधि और यश की बात मैं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं, ये लोग बीएसएस सर के पास गए थे। बीएसएस सर ने 1 लाख होने पर एक वादा किया था, एक बड़े थे और संतान नहीं, एक ही जन्म संतान थी जो उनकी मृत्यु के बाद भी आंसू नहीं। लेकिन ये बच्चे ये उस जगह टच करते हैं जहां आप न चाहते हो। आइए इसको संतोष सर जी के सुपुत्र है जो इनके बहुत ही शिक्षकगण प्रधान जी और यहाँ पर उपस्थित सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अहम मिश्रा है और मैं आज अपने शिवम सर जी की विदाई समारोह पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारे सबसे प्रिय शिक्षक का विदाई समारोह का आयोजन हमारी ग्राम प्रधान श्रीमती निशा तिवारी जी द्वारा आयोजित किया गया है। इसके लिए प्रिय शिक्षक को विदाई देने पर हम बहुत दुखी हैं। हमारे प्राथमिक विद्यालय को और ग्राम सभा लखेसर को ऊंची मंजिल तक पहुंचाया है। इसी तरह हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार गांव का नाम रोशन करें। हमारी छोटी सी उम्र में जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, मैं कहता इसके लिए मैं शिवम सर जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। चिंता हुआ गुलाब खराब हमारे अधियारे जीवन में ज्ञान का दीपक थे आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ज्ञान, दिया विद्या का ज्ञान। बच्चे क्या भाव लेकर आते हैं, आप खुद ही परिचित हो रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण और हमारे प्रधान जी, यहाँ पर उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम सभी लोग यहाँ पर अपने
प्रिय शिक्षकों में से एक सीएम सर जी को विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे यहाँ सीएम सर जी से कोई अनजान नहीं है, लेकिन इस स्कूल का छात्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आप सभी को उनके छुपे हुए व्यक्तित्व से परिचित करूं। सर जी एक अध्यापक और कुशल प्रशासक के साथ साथ इस स्कूल के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपने हमेशा एक शिक्षक होने का सबसे आप सभी जिम्मेदारी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। स्कूल की हर कठिन परिस्थितियों में आप हमेशा हम लोगों के साथ रहे हैं। आपके अंदर ईमानदारी, आत्मविश्वास, संयम, निष्ठा और लगनशीलता जैसे कई गुण हैं। आप किसी भी स्कूल के प्रधानाचार्य योग्य हैं। आपने अपने छात्रों को न सिर्फ शिक्षा का ज्ञान दिया बल्कि सियाओं को वाला व्यवहारिक ज्ञान भी दिया है। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर भी आपने स्कूल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपके साथ बिताया हुआ हर पल हमारी जिंदगी का सबसे यादगार पल है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप की आने वाली जिंदगी स्वस्थ, खुशहाल, समृद्ध रहे। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो तो हमें माफ करें। इस स्कूल में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हम सभी लोग आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा निहाल लोग को हम अच्छे से जानते हैं। 4 साल 5 साल यहाँ हो गया हम लोगों को, और इस 5 सालों में जो भैया हैं, संतोष भैया हुए, भैया जी हुए, ये चंद्रप्रकाश भैया हमेशा शहर में भी मिलते रहते हैं, इनका आशीर्वाद मिलता है, चरण स्पर्श करते हैं। भैया हमेशा बड़े भाई की तरह, अभिभावक की तरह हमेशा मार्गदर्शन देते हैं हम लोगों को, और हृदय में स्थान बनाए रखने में मैं अगर कहीं थोड़ा सा भी चूक होती है तो भैया संभाल लेते हैं और हमेशा अपने हृदय में स्थान देते हैं भैया। अब सबसे बड़े भैया के रूप में यहाँ ग्राम प्रधान जी आदरणीय शैलेंद्र तिवारी भैया, जिनके विषय में जितना कहा जाए कम है, ये बिहारी जी के दोहे के समान ये पूरा की गागर में सागर भर देने वाले हैं भैया। ये पूरे गांव को इतना विकसित किए, ऐसा पंचायत भवन शायद है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है भैया, कहीं नहीं है। राजस्थान में एक है, बहुत बढ़िया बना है, लेकिन यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई पंचायत भवन नहीं है जैसा आप आज परमादरणीय जी को सादर प्रणाम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में, आपके कुशल निर्देशन में, आपके देखरेख में जो यहाँ कार्य हुआ है शायद प्रदेश में कहीं कहीं हुआ होगा, ऐसा बहुत कम हुआ है। जनपद जौनपुर के लिए तो एक जान लीजिए ये मील का पत्थर है भैया, आपका किया गया कार्य शायद ही कोई अनपढ़ कर पाए। अब कार्य लोग तो बहुत अच्छा, और आप ही के सौजन्य से आज यहाँ पर जो विदाई शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है, विदाई सम्मान समारोह आदरणीय सीएम जी का, और ये बहुत भावुक पल है भैया। मैं क्या बताऊँ, मैं कभी हम को और शिवम को एक कभी नहीं लगा कि इस जनपद जौनपुर का कोई भी विद्यालय अपना नहीं। विश्वास करिए भैया, हम लोग गाड़ी से आते रहते थे, कोई प्राथमिक का बच्चा दिख जाता था, मार्ग क्रॉस कराना रहता था, गाड़ियाँ आ रही है, हम लोग रुक करके उन बच्चों को हाथ पकड़ करके वहाँ पार कराते थे, जिससे लगता हमारे अपने विद्यालय के बच्चे हैं, फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते। बच्चों के प्रति एक लगाव, जहाँ भी हम लोग रहे हैं वहाँ भी बच्चों के प्रति बड़ा लगाव रहा है। बच्चे हमारे फूल जैसे बच्चे हैं सुकुमल, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और सौगंध तो रहा है लेकिन आजीवन नहीं छूटेगा। जब भी याद आएगी हम लोग आते रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे इस लखेसर की धरती को हम लोग नहीं भूल पाएंगे, वहाँ के प्यार को नहीं भूल पाएंगे, बच्चों को नहीं भूल पाएंगे। बस यही विश्वास से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चे इतने आगे बढ़ जाए कि अगर हमसे कभी दूर न जाएं, हमारे हृदय में तो हमेशा रहेंगे, लेकिन इतने अच्छे पद पे चले जाएं, अपने गांव के साथ साथ अपने माता पिता समाज का नाम रोशन करें पूरे भारत में, पूरे विश्व में, और हम लोग भी जहां रहें यह सुनकर कि हमारी निधि डीएम हो गई, हमारा यश डीएम हो गया, हम लोग भी गौरवान्वित। हमारे बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कहीं रहेगा, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा बेटा कि हमारी बिटिया हुई है। अब तुम लोग अपने दिल में अगर जगह दोगी उस समय, तो शायद उस बुजुर्गी अवस्था में भी हम लोग अपने बच्चों के पास आएंगे, और बेटा बेटी का यह प्यार पाकर के शायद हमारा जीवन और भी 2-4 साल आगे बढ़ जाएगा। तो इस
बात को ध्यान रखते हुए बहुत कुछ कहने को है। कभी नहीं लगा कि इस पूरे खपड़हा न्याय पंचायत में कौन सा विद्यालय हमारा नहीं, कहीं का बच्चा सब जानते हैं। शिवम सर को उनके माध्यम से हमको प्रेम भैया के जो सानिध्य प्यार दुलार मिला, इनकी विद्यालय के बच्चे, भोईला के बच्चे, मुकुंदीपुर के बच्चे, मतलब खपड़हा न्याय पंचायत सिकरारा कोई ऐसा विद्यालय नहीं जहाँ के बच्चे न मानते हों। एक बार पहुंच जाने के बाद चाहे जाते हैं। जब मैं कभी लखेसर भैया को लेने जाता था साथ में, हम दोनों लोग आते थे, हमको घेर लेते थे बच्चे और क्या कहते थे, निधि गाना सुनाइए, आज ही पढ़ाइए, आज वो पढ़ाइए, एक बता दीजिए। हमारे एक आध वीडियो सीओम सर डाल दिए थे यूट्यूब वगैरह पे, बच्चों के साथ काफ़ी लोग सराहा गया, पूरे भारत के लोग बहुत अच्छे, पूरे भारत में देखा गया, बहुत लोग उसको सराहे भी कि पढ़ाने का तरीका होता है सीओम सर से, जो हम लोगों ने जाना है और साथ रह के जो सीखा है। हम लोग एक साथ रहे हैं, भगवान ने करे ये साथ कभी छूटे, और वहाँ भी हम लोग शायद है यही दूरी है, यहाँ पहले शिवम को छोड़ते थे, हम जाते थे वहाँ, शिवम हमको छोड़ते हैं फिर जाते हैं, दूरी वही है, और इसीलिए हुआ भी है कि साथ रहें, कभी साथ न छूटे, और निरंतर उत्तरोत्तर बच्चों के लिए जो भी हो सकेगा, हम शिक्षक के रूप में हम सदैव अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ सब कुछ जो है बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। हमारा कर्म है उसी से हमारी नमक रोटी चलती है बच्चों, तो हमारा एक कर्म कभी नहीं भूलेगा, हम आपके प्रति हमेशा समर्पित हैं और हमेशा समर्पित रहेंगे। हम रेडी हैं आज के आदरणीय बड़े भाई शैलेंद्र तिवारी जी के, आदरणीय बाबू जी सभी लोगों के रेडी है, इतना बड़ा सम्मान समारोह जो हमारे लिए आपने आयोजित किया है सर, इसकी बहुत एक तो गेट टुगेदर हो जाता, लेकिन आपके हृदय में क्या था, कैसे था, आपने जो किया सर, शैलेंद्र भैया कहे अनुरोध हमसे आज्ञा दीजिए भैया, हम लोग अनुज हैं, आज्ञा मांगते हैं, इस गाँव के शिक्षक ही नहीं, हम इस गाँव के बच्चे भी हैं, हमारे लिए आपकी आज्ञा सिरोधार्य है भैया, अनुरोध आप कभी मत करिएगा, आप आदेश करिएगा, और अगर आदेश एक बजे रात को भी होगी सुरेंद्र भैया शपथ पूर्वक कहता हूँ मैं उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा। शिवम के साथ मिलने के लिए भैया हम लोग बड़ा भावुक पल है, लेकिन हमारे बाबूजी बैठे हैं, सब लोग जान रहे हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया में आना जाना लगा रहता है बाबूजी, लेकिन कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी वक्त हो ऐसा जब हम लोग साथ मिले, तो निश्चित रूप से 100% प्रयास रहेगा कि हम आपके बीच में हों, आपके आशीर्वाद और से अब सिंचित हों, आपके हृदय में जगह रहे हमारे लिए, इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद। सभी का अभिनंदन वंदन करता हूँ, आप लोगों ने आज इस क्षण में अपना अमूल्य समय दिया, अब मुझे कितना दुख है अब तो मैं ही जान सकता हूँ। जीवन सिंह ने विद्यालय के लिए, इस गांव के लिए, बच्चों के प्रति इनका जो आदमी संबंध रहा उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस भावुक पल में आज बातें बहुत कुछ मैं कह सकता था, लेकिन वो बातें मेरे दिल के अंदर ही रह जा रही हैं। जितना इन्होंने सहयोग किया विद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, अभिभावकों के प्रति, जो इसने प्यार दुलार रहा, वह यहाँ से जा रहे हैं लेकिन सबके दिलों में हमेशा वास करेंगे। हम बहुत कुछ न कह करके हम इनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं कि जहाँ भी रहें ये अपना नाम रोशन करते रहें, बस मेरी यही शुभकामना है। क्या कहूँ, ये हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में इसके लिए शब्द नहीं है। कोई अच्छा व्यक्ति इतना अच्छा होता है कि उसकी अच्छाई को महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। एक दूर दराज के इलाके में एक ग्रामीण परिवेश के विद्यालय को
अपनी खूबसूरत सोच से, अपने खूबसूरत कृत्य से बहुत बुलंदियों पर जो है ले जाने वाले। आपने कहा कि ऐसा कोई विद्यालय नहीं जो विद्यालय मेरा नहीं। एक अच्छे शिक्षक का ये गुण है, धर्म है, उसकी सोच है जिसको राकेश सिंह जी बच्चे देते हैं। रही बात अब मैं अपने शिवम सिंह जी की करूं, अपने ही राकेश भी थे, अपने ही शिवम भाई हैं। नाम ही जैसा आप देखिए, ये प्रेम जी संचालन कर रहे हैं। प्रेम गली एक साकरी यामे दोन समाए, प्रेम शब्द की कितनी व्याख्या की जाए कम होगी। ऐसे प्रेम, उनके प्रेम का जो भाव उमड़ा इस कार्यक्रम में, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। राकेश भाई का अर्थ आप समझते हैं जिसके अंदर बहुत शीतलता हो, संतोष हो, धैर्य हो, अपनी शीतलता के लिए जिसकी एक पहचान हो, ऐसी शीतलता वाले हमारे भाई राकेश सिंह जी। और शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो कल्याण करे, ऐसे कल्याण पुरुष, ऐसे कल्याण परम पुरुष शिवम जी को भी। आपको बताऊं आश्चर्य की बात कि ये मेरे गांव से जरूर गए, लेकिन मेरे हृदय से और दिमाग से न गए न कभी जाएंगे। और दूसरी बात ये कि संयोग की बात है कि मेरे भी जिस विद्यालय में मड़ियाहूं में मेरी नौकरी है, उसी के बगल का दो गांव छोड़ के तीसरा विद्यालय आपका है। मेरी ब्लॉक में तो गए हैं, मुझे मिलेंगे, लेकिन ये बच्चे जो बहुत पैसा नहीं खर्चा कर सकते, जिनके अभिभावक बहुत दूर तक इनको भेज नहीं सकते, ऐसे बच्चों को पिछले 4 वर्षों तक अपना लाड़ प्यार संस्कार दिया। आपको अचंभा होगा, एक ऐसे निरीह गरीब परिवार की मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, उस परिवार में 5-6 बच्चे हैं, इतनी फर्राटेदार खड़ी हिंदी बोलते हैं, मैं जाता हूँ रास्ता रोक लेते हैं, मुझे खुद ही यकीन नहीं होता कि मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरे गांव के स्कूल पढ़े लिखे। बहुत ही विषम परिस्थितियों में आप कल्पना करिए कि जब ये यहाँ आए तो ये रोड पूरी तरह से टूटा हुआ था, टूटी सड़कों पर आना जाना, राकेश भाई के साथ नियमित आना जाना, बहुत त्याग तपस्या की। बहुत विकल्प हो सकते थे कि ये कहीं और चले जाते या और कुछ भी विकल्प हो सकते थे, लेकिन उन्होंने लखेसर का चुनाव किया और चुनाव परमात्मा ने किया, एक अच्छे व्यक्ति को एक अच्छे समाज से लाकर जोड़ा। और उनके यहाँ आगमन से मैं दावे से कहता हूँ, जिस बीज को आपने 4 साल तक बोया है, बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष बनेगा आज नहीं कल। इस गांव के बच्चे IAS में, IPS में, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में वैज्ञानिक बन करके हमारा नाम, आपका नाम अवश्य रोशन करेंगे। इनके बारे में जितना कहूँ कम होगा, इसलिए मैं कम से कम में अपनी बात कहूँगा। कोरोना का आंधी पूरे देश में चली, 20 की शुरुआत थी, शिवम सिंह जी ने जिले में एक पहल किया कि सामाजिक रूप से बस्तियों में जाकर के आप बच्चों को पढ़ाएं। उस पहल को पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में अडॉप्ट किया गया। आपको शायद मेरी बात को यकीन होना हो, आप इसको मानिए मेरी बात। और विद्यालय के शिक्षक कहते थे, भाई गजब के आदमी है, क्या परेशानी पैदा कर दी, लोग जान बचाने को भारी पड़ी, यहाँ पढ़ने पढ़ाने की बात है। आप जानिए मेरी बात पर भरोसा करिए, मेरे मोबाइल में है। इनके प्रयास से गांव लखेसर की खबर हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे अखबार में, पूरे उत्तर प्रदेश के फ्रंट पेज पर लखनऊ में लगी थी। आप इसको मेरी बात भरोसा करिए, मेरे पास है, जिसको देखने की मर्जी कहे मैं दिखा दूं। अंग्रेजी समाचार, 4 फिल्में इनके द्वारा बनाई गई, पूरे देश प्रदेश स्तर पर वो चर्चा में रही, लखेसर भी उसी क्रम में चर्चा में रहा। तो कुल मिला जुला करके जितनी खेलकूद की वार्षिक प्रतियोगिता जो हुई हमारे विद्यालय पर हुई, हमारे विद्यालय की छोटी छोटी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, बच्चे डिजिटलाइज हो गए हैं, इनको पूरी जिंदगी जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा ये अमर रहेंगे, उसका एकमात्र माध्यम शिवम जी थे। और शिवम जी ने बड़ी खूबसूरती से, इनको डायरेक्टर कहूँ, एक्टर कहूँ, सिंगर कहूँ, शिक्षक कहूँ, क्या कहूँ, ऑल इन वन वाले शिक्षक को आज अपने से हम दूसरी ब्लॉक में भेज करके मेरा गांव तो निश्चित रूप से दुखी है। इस दुख को मैं शब्दों में जरूर नहीं बयां कर सकता। बाकी बहुत कुछ मैं चाहूंगा, शिवम जी भी अपनी बात अपने दिल से कहेंगे। आज मेरा बोलना कम, उनका बोलना हमारे आपके लिए ज्यादा कारगर होगा। मैं बहुत तहे दिल से जितना आभार व्यक्त कर सकूं कम होगा, भाई राकेश सिंह जी का, शिवम सिंह जी का, उनके साथ में हमारे भाई रंजीत सिंह जी भी आए हुए हैं। में ट्रांसफर हो जाएगा और
लखेसर में नाम में ही सर जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि इस सर की जगह लेने के लिए आप लोगों को बहुत त्याग करना पड़ेगा। पांच साल चार महीने बारह दिन इस लखेसर की भूमि को दी, इस उम्मीद में नहीं कि आपसे कुछ मिलेगा, क्योंकि कुछ साल तो आप लोग यही जाने कि पंडित जी आए हुए हैं। अमूमन मुश्किल से कोई जाना कि ये ठाकुर है, क्योंकि मैंने कभी अपने सरनेम को आगे नहीं रखा, क्योंकि शिक्षक की कोई जाति नहीं होती, सभी बच्चे हमारे हैं। इन बच्चों में होता क्या है, जिस जगह पर आबादी संपन्न हो अगर वहां कुछ बच्चे प्राइमरी में जाते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में एक नकारात्मक भाव जरूर होता है कि शायद मेरा परिवार गरीब है इसलिए जो है ठीक है। कि ये होता है कि शायद हमारे माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं हैं इसीलिए हमको सरकारी विद्यालय में भेजते हैं, मगर काबिलियत उतनी ही होती है हर बच्चे में। हम आप किसान हैं, बीज को जब हाथ में लेते हैं और खेतों में डालते हैं तो किसी बीज के साथ ये नहीं देखते कि ये बीज ज़्यादा जल्दी उगेगा या ये स्लो में उगेगा, सबके लिए खाद पानी बराबर देते हैं। वही काम एक शिक्षक का भी होता है, हम जब अपने बच्चों को अपने साथ में लेते हैं तो उसकी विशेषता, भाई सरसों के लिए क्या जरूरी है, मटर के लिए क्या जरूरी है, गन्ने के लिए क्या जरूरी है, हर के लिए अलग अलग विधि है, उस विधि विधान से आप उसका रुपाई और सिंचाई करते हैं। वही चीज इन बच्चों के लिए है, हर बच्चा विशेष है, ढूंढने की जरूरत है, और वो तभी ढूंढ पाएंगे जब आप उसके करीब जाएंगे, और करीब बिना अपनत्व के आप कहीं नहीं जा सकते। इन पांच सालों में बड़े भैया शैलेंद्र जी जैसा बड़ा भाई मिला, हमें याद है बरसात में हमारा यहाँ आगमन हुआ, शौचालय के नाम पे कमरे में केवल मिट्टी भरी हुई थी, तब सरकार की कायाकल्प योजना नहीं थी। बिना किसी योजना के आगे बढ़कर काम करना बहुत कम लोगों को होता है, कहने पर तो हर कोई करता है, बिना कहे अगर कोई दे दे तो या तो वो माँ होगी, पत्नी होंगी, पिता होंगे, या ऐसा ग्राम प्रधान जो गांव को अपना समझे। आप सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे लोग मिले। बहुतों को लगेगा कि आखिर क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है, क्या कमी रह गई। मैं अपने बच्चों से यह आखिरी चीज बता रहा हूं, इसको गांठ बांध लेना, कि यदि माता पिता को तकलीफ हो और आपको स्वर्ग का सुख भी त्यागना पड़े, त्याग दो। ट्रांसफर की जब से खबर आई है तब से पिताजी पूछ रहे हैं ट्रांसफर लोगे कि नहीं लोगे,
कारण है, भाई गांव है, समाज है, पिताजी की भी उम्र 70+ है और ऐसे में देखने की जिम्मेदारी मेरी बनती है तो गांव समाज भी देखना है, दूरी उतनी ही है, मुझे अब भी उतना ही अप डाउन करना होगा और नजदीक के भी जो लोग मिले उनसे इसलिए नहीं जुड़ पाया क्योंकि अभय भाई को जुबान दे चुके थे और एक बार अगर आपने किसी को वचन दे दिया तो पीछे मत हटिए। तो इस चीज को याद रखें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और माता पिता को हर वो सुख देने का प्रयास करें जो आपसे संभव हो सके, मगर गलत रास्ते से नहीं। मेरे बड़े भैया प्रेम भैया ने भी कहा, इन्होंने प्रेरित किया, राकेश भाई ने कहा प्रेरित किए, अगर आप किसी से प्रेरित होंगे, ध्यान से समझ लो, सभी बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं बड़े बुजुर्ग, उसके जाने के बाद फिर आप काम नहीं करेंगे। प्रेरणा आपको तभी तक होगी जब तक वो आपके सामने प्रत्यक्ष रहेगा। सूरज किसी से प्रेरित नहीं होता, वो समय से निकलता है, समय से अस्त होता है, उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। सफलता पानी है तो अनुशासित बनिए, अनुशासन बहुत जरूरी है। हर चीज जो समय पर होना जरूरी है उसे समय पर करिए, सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी आपको, मगर समय बीतने के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। बीच बीच में आपको ये बादल आएंगे, ये ठंडक आएगी, ये शीतलहरी आएगी जो सूरज को ढक लेगा, मगर उससे आपको हताश नहीं होना है क्योंकि ठंडक के बाद फिर बसंत आएगी, फिर गर्मी आएगी और आप फिर उसी तरह से चमकोगे, मगर सूरज की तरह चमकने के लिए आपको तपना होगा, जलना होगा, मगर इस तरह से जलो, इस तरह से तपो जो स्वयं को केवल तपाओ, दूसरे को नहीं, दूसरे को केवल उसका आनंद मिले, उसका प्रकाश मिले। कल 22 तारीख प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं पर मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ, जब कहेंगे तब यहाँ उपस्थित रहूंगा। प्रधान बाबी निशा जी एक एक फोन पे आ जाए, जबकि ये गांव है, तमाम परंपराएं हैं, जल्दी कोई लांघता नहीं उसे, मगर ये उन सब चीजों को हटा के आगे आती हैं क्योंकि ये जानती हैं कि यदि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं, स्वयं से निर्णय लेने लगे और लोग आगे आ जाएं तो ये गांव आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे जानता हूं कि कुसुम दीदी रमेश सर, इन्होंने कभी किसी प्रकार का मुझ पर दबाव या ये करो ये मत करो कभी इन्होंने नहीं कहा, शायद इन्हें इस बात का भी एहसास था कि कभी गलत नहीं करेगा, तो मुझे उनकी तरफ से फुल सपोर्ट मिला काम करने का। हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पे वो आगे बढ़ के नहीं काम कर पाते, वो उनकी समस्याएं हैं क्योंकि वो एज फैक्टर है, उतना वो नहीं कर पाते, मगर जितना वो कर पाते थे करने की कोशिश करते हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि विद्यालय को जिस स्तर पे लाकर छोड़ा जा रहा है वहां से वो नीचे ना जाए, वहां से और ऊपर ही जाए, अभिभावकों के बीच में उसी प्रकार का संबंध स्थापित करें जैसा है ये, क्योंकि जिस जगह पे पहुंचने के बाद अगर यहाँ से कोई बात ये जाएगा कि अब लखेसर वो लखेसर नहीं है तो ये इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। लोगों को ये नहीं दिखाना है कि केवल एक व्यक्ति के कारण कोई गांव इतना प्रसिद्ध होता है या बच्चे इतने प्रसिद्ध होते हैं, ये समग्र विकास तभी होगा जब प्रधान जी, SMC अध्यक्ष, गाँव के अभिभावक, बच्चे, विद्यालय स्टाफ सब मिलकर काम करें। मनोज भैया पत्रकार हैं, मगर शायद मैंने कोई पत्रकार बाद में देखा, पहले ये एक अभिभावक के रूप में संतोष भैया, सिद्धि भैया, सभी लोगों ने एक साथ दिया है, बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ हैं,
विद्यालय के सफाई कर्मी, हम तो वहां गए हमें तो वहां सफाई कर्मी नहीं दिखे, मगर हम यही चाहते हैं कि हर विद्यालय में इन जैसा सफाई कर्मी हो। मुश्किल से पांचों उंगलियां बराबर किसी किसी की होती हैं, और वो भी चमत्कार हो तभी। तो लखेसर पे चमत्कार प्रभु का कृपा था, जिसमें इतने समर्पित प्रधान, अभिभावक, सफाई कर्मी, हेडमास्टर, सभी लोग ऐसे मिले। बातें हो रही थी, 2 साल हम लोगों का कोविड में चला गया। उस कोविड में सत्यम जैसा भाई मिला, जिन्होंने एक निवेदन पे सभी लोगों को एकजुट करके विद्यालय में न रहते हुए भी बच्चे घर पे पढ़ाई करना शुरू किए। थोड़ी सी खसक इस बात की रह गई कि गांव के हर बच्चों को हम विद्यालय से जोड़ नहीं पाए। कहीं ना कहीं वो स्टेटस सिंबल अभी भी लोगों के मन में है कि प्राइमरी में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती जितनी प्राइवेट में होती है, मगर ऐसा है नहीं। अपने मन से अगर केवल वो स्टेटस सिंबल हटा दें कि भैया फ्री में है, ये चीज़ें हैं, बच्चों को सर्वांगीण विकास शिक्षक ही दे सकते हैं, ना कि विद्यालय में पड़े हुए झूले, बेंच डेस्क और टाई लगाए हुए लोग। एक धोती में भी अगर कोई शिक्षक है तो वो बेहतर बच्चे को पढ़ा सकता है। आप सभी लोगों से निवेदन यही करूंगा कि बच्चों को समय से जैसे भेजते थे वैसे भेजें। बस थोड़ा सा आपको और ध्यान इसलिए देना है कि जो सर पीटीएम रखते हैं, एसएमसी बैठक रखते हैं, उसमें आए, अपनी बातों को रखें। आपने देखा बच्चे अब खुल के बोलते हैं। बेसिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चों को कख गख पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। हम आप करते क्या है, जितने भी बड़े स्कूलों में जाएंगे आप, जहाँ पे लाखों लोग रुपया देते हैं, वहाँ पहले वो लोग लिखना शुरू करते ही नहीं। वो बच्चों से बातें करना, खेलना कूदना, उनकी रुचि किस में है, ये सब जानते हैं। और हम आप क्या करते हैं, तुरंत कापी कलम दे देते हैं, कहते हैं कल लिखो, आज क्या लिखा है, आज क्या पढ़ाया गया। मगर बच्चे के बारे में कितनी जानकारी हासिल की गई, ये नहीं मालूम करते हम लोग। अगर शुरुआत में बच्चे ने वो जानकारी हासिल कर ली, वो आत्मविश्वास जागृत कर लिया, तो फिर उसे किसी और शिक्षक की अब जरूरत नहीं है। शिक्षक को एक सुगमकर्ता होना चाहिए। सुगमकर्ता मतलब जो एक ऐसा माहौल दे दे जिसमें बच्चे स्वयं से पढ़ने लगे, डंडा लेके पीछे ना भागना पड़े, बैठो पढ़ो, नहीं। शुभम, अंशिका, निहाल, निशी, वांशी, मितांजलि, आयशा, दीक्षा, वर्तिका, ये तमाम बच्चे, यश, अहम, सक्षम, निधि, अब देखिए ये सब बच्चों को ना, अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं बेटा आप लोग बैठो पढ़ने बैठो, दिव्यांश, ये सब भविष्य की समझ लीजिए, आने वाले समय में ये आप लोगों को एक बेहतरीन अधिकारी, बेहतरीन पद पे मिलेंगे। बस जरूरत है उन्हें हतोत्साहित न करें। होता क्या है, बच्चा निकलता है बाहर कि आज मैं कुछ करने जाऊंगा, अरे बैठ जो, क्या पतंग उड़ावा थे, जो बैठ जो, पढ़ जो, पढ़। ये पल उसके जीवन का है, आनंद से उसे जीने दें। शिक्षा जब स्वयं से होगा तो वो हमेशा स्थायी रहेगी, दबाव में की गई चीज कभी स्थायी नहीं होती। तो जितना आनंददायी तरीके से बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग उनका लालन पालन कर रहे हैं, उसी तरीके से करें। मैं जिस तरीके से पहले था, बस अब शिक्षण कार्य नहीं कर पाऊंगा, बाकी आपके सुख दुख में जब आप बुलाएंगे उपस्थित रहूंगा। आंगनबाड़ी मैं दीदी हैं, हम लोग हमेशा शिकायत करता हूं, मैं झगड़ा करता हूं, इतने लोगों में एक ही लोग दिखती हैं और आज भी वही दिख रही हैं। तो जब झगड़ा करता हूं तो इसीलिए करता हूं कि बुनियाद मजबूत हो, और जो जो समर्पित है वो आज भी है, जो नहीं वो कभी नहीं रहेगा, आप कितना भी प्रयास कर लो। तो कम से कम जो समर्पित है उसके प्रति आपका भाव
वैसा ना हो, एक ही तराजू में सबको तोलेंगे तो कभी न्याय नहीं होगा। उसी तरीके से सभी शिक्षक, सभी प्राइमरी के मास्टर खराब ही होते हैं, ये भी सही नहीं है। उसी तरीके से सारे प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं, ये भी सही नहीं है। हर चीज का मानक है, समझ है, भगवान ने आपको वो चीज दी है समझने की। आपका विद्यालय आज जनपद में ए प्लस ग्रेड में आता है, जैसे ए बी सी होता है उसमें ए प्लस, यानी कि सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में गिना जाता है। कमी केवल इतनी है कि हमारे यहाँ नामांकन संख्या कम है, और नामांकन संख्या शिक्षक पढ़ा सकते हैं। यदि आप लोग भरोसा नहीं रखेंगे, अवसर नहीं देंगे, तो प्रयास कैसे करेंगे? आप अपना एक विश्वास दीजिए। अभय जी आए हुए हैं हमारी जगह पे, वो भी प्रयास करेंगे। बच्चे नहीं आएंगे तो घर जाएंगे, मिल के काम करें। अम्मा यश की दादी बैठी हैं, फोन करती हैं सुबह कि बेटा स्कूल आ रहे हो? तो कहता हूँ हाँ आ रहा हूँ। कहती जी ना बा, बहुत कोई ना बा, कौन अधिकारी समझेगा इस बात को? शिक्षक केवल कक्षा कक्ष तक सीमित रहेगा तो ना बच्चों का विकास होगा, ना समाज का विकास होगा। उसे कक्ष कक्ष के बाहर निकलना होगा, गांव में जाना होगा, लोगों से जुड़ना होगा, तब जाके वो जो नौनिहाल है, जो छोटे छोटे पुष्प है, तब पुष्पित होंगे, तब इनका सुगंध जो है दूर दूर तक जाएगा। आज ये बच्चे कहीं भी खड़े हो जाए, कोई नहीं कहेगा कि किस स्कूल से हो। पलक को बिना नाम के लोग कहेंगे ये लखेसर की बच्ची है, सक्षम को लोग देख के कह देंगे ये लखेसर का बच्चा। प्रधान जी शायद अपने ब्लॉक में अगर बोल दें कि लखेसर स्कूल हमारा है, तुरंत चर्चा हो जाएगी वहां पर। तो चर्चाएं होंगी, काम आप अच्छा करेंगे, लोगों के बीच में अच्छे संदेश भेजेंगे। कमियां हैं, हम नहीं कहते कि हमारा विद्यालय बिना किसी कमी का है, कमियां हैं। किस बच्चे में कमी नहीं होती, किस घर में कमियां नहीं है, मगर हमें आपको उन कमियों को दूर करना है। उसे दूर करने के लिए कोई बाहर ही नहीं आएगा, हम ही आपको आ गया ना होगा। तो वो काम हम आप करें, ना कि बाहरी, बाहरी आएगा तो वो बेइज्जत करेगा। और कोई हमारे गांव को, कोई हमारे विद्यालय को, कोई हमारे अभिभावक बच्चों किसी की बेइज्जती करी, वो ना हमें कुछ मंजूर है ना आपको। हम लोग जैसे हैं उस तरीके से आगे बढ़ते रहे। बस आप लोगों से यही नहीं, बल्ब बेटा रो मत यार, अभी तुम्हारे साथ रोएंगे, टेंशन ना लो। तो इस सुदूर का हमें विद्यालय मिला था लखेसर, और मेरे लिए हमेशा अजीज रहेगा, प्रिय रहेगा, यहाँ के लोग सभी मित्र, प्रधान जी, सभी बहने, अम्मा, गुरु जी, मैं ज्यादा कह रहा हूँ। ये स्मृति है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। हो जाए अभी बाव और मानसी सर, हम सोचे थे साथ ही जा रहे हैं। अरे बहुत अच्छा, मानसी के भाव देख, जरा देखिए मानसी हमारे जब हमारे इस कार्यक्रम में कौन मालूम है? ठंडी साल दी सर जी, आप इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित लक्ष्मी नारायण पांडे जी की तरफ से शिवर सिंह जी को एक मोमेंटो भेंट किया जाएगा जो कि यहाँ का स्मृति चिन्ह होगा। चलो अशोक कुमार लोग के पास सब सब वन टू वेलकम।
सबको लाइन पे क्या हटाया वाओ पकौड़िया का घर घर पे चलिए घर पे चलिए नहीं पहले मेरे घर पहले मेरे घर मेरे पहले मेरे घर मेरे घर हम ये तक कर रहे तैयारी कर ले तैयारी ए थोड़ा पहले तो मार घर मारे घर पहले हम का अब तो लड़ाई आती नहीं हमको बोल रहे थे तो राधे किशोर के लेके आए नदी का पानी भर जाए तब नदी में थोड़ा सा पानी भर जाए साफ वाला सर ने कहा था साफ वाला पानी रहे तो बता बस अब ये कलिए लेके आए जाए हम अभी राम मंदिर का उद्घाटन कराया दिया जल्दी राम मतलब जल्दी वहीं बनाए दिया जाए यार रामेश्वर विकास के ऊपर देखिए उसे जब जुड़ा है तब में आपके दिमाग उनके पुत्र परिवार थोड़ा सा गांव का भी पड़ जाता है और आप समझ लगे याद बना बच्ची हाँ ये याद बना पहले सुनकर एक बार एकदम एकदम थोड़ा गा के बढ़ाई थी आपको 26 तारीख को आना है 26 जनवरी को एकदम एकदम मेरे स्कूल में उसमें घरे चले तो गर्म करा अपने भाई को लेके आइएगा वो है मेरे सर जी चलिए आप हमारे साथ चलो प्यार नहीं हम आपके साथ जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे ना मैंने पहले बोल दी थी इसलिए उनका मोबाइल पकड़ के रखा हूँ कब्जा कर लिया सर अब आप चले जाएंगे साइड गाड़ी आ रही है साइड सर साइड सर चल घर पहुँचे तीन में और चार में तू कहाँ रह गए रोहू अभी का हुआ ना ही अभी के नहीं देख लिया साथ में लेकर आऊंगा ना माना करो बेटा अभी टाइम नहीं है तो चूल्हा तब तो जाके चूल्हा गर्म कर ये बेटा साथ में जाते चलो आ बेटा ये तू कहाँ पीछे रह गया तू जा वहाँ दादी वहाँ के गई साल नौ बजे दिए थी क्या
खन खाई घरे तैयारी कर ले तैयारी आपको पहले मरण तड़ान कौन दिया था अड़क अड़क बोल मन लगा के पढ़ना ठीक ना। और अब भैया ध्यान दिया लड़के मम्मी कहाँ रह गए हाँ आज इनरी इनरी होता कहाँ हमका अब तो लड़ाई आती नहीं हमको कटहरवा बड़ा हुए बताए जन तू पीछे बैठे बैठे रोत रहो हो हम भी हम ही भाई जन तू रोत रहो लड्डू ना खात रहो जिंगल बेल की टोपी करके फोटो खिंचा लीजिए जिंगल बेल की टोपी चले अब्बा कैमरामैन हाजी सब लोग ताली बजाइए भाई देखिए
इधर देखते क्यों नहीं? आगे देखो आप लोग, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, दिखता नहीं आप फोटो ऐसा का है, फोटो ऐसा था जो बढ़िया से एकदम आवे। आप इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित लक्ष्मी नारायण, लड़ाई नहीं जा सकती। और प्रधान जी है हमारे राकेश जी को सकड़े हो जाए अभी भैया, और मानसी सर हम सोचे थे काफी जा रहे हैं। बहुत अच्छा मानसी के भाव देख रहे, मानसी हमारे जब भी हम चाहें हमारे इस कार्यक्रम में हम लोग ठंडी फैल दी है सर जी के, किसी भी इस तरह के अच्छा परीक्षा तुम लोग कल दे के आए, अभी पढ़ाई करना है ना।